दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं कि फेड ने पिछले 4 साल में 0.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, और उस इंटरेस्ट रेट कम करने से आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में, या वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड का कमोडिटी मार्केट हो, सब में इम्पैक्ट पड़ा है, और क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है। बिटकॉइन जो है वो करीबन करीबन 5.7% ऊपर गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, यहाँ ये बिटकॉइन आप देख सकते हैं 5.7% जो है, पहले जो चल रहा था 59,000 पे चल रहा था, और अब आ गया है ये 56,600 के आसपास पहुंच गया है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो अल्ट में है वो भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, और अल्ट भी जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ये अब चल रहा है सितंबर, और सितंबर जो है हमेशा, अगर मैं पिछले 6-7 सालों से देखूं, क्रिप्टो बुल रन की एक शुरुआत होती है। और मुझे जो उम्मीद है अब, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट कम किया है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्दी जो बिटकॉइन है आपको $75,000 या $80,000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। मैं अभी आपको सेंटिमेंट भी दिखा देता हूं कि क्या चल रहा है इस समय। सेंटिमेंट सेंटिमेंट भी जो है वो सुधर गया है। जहां 20-25% का सेंटिमेंट चल रहा था, बीच में तो 19% भी आ गया था, मतलब फियर में चला गया था, अभी ये जो है वो थोड़ा सा नेचुरल हो गया है। 50% के आसपास ये इस समय सेंटिमेंट चल रहा है, मतलब लोगों के सेंटिमेंट भी जो है वो अब बदल रहे हैं। अब देखिए, इस जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है, इसके बारे में बहुत सारे जो लोग हैं, जिसमें नाम है रॉबर्ट कियोसाकी का, उन्होंने भी कहा है कि जो बिटकॉइन है वो अबाउट टू एक्सप्लोड, मतलब फटने वाला है। एक तरीके से इसके प्राइस जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो बहुत ऊपर जा सकते हैं, यहाँ इन्होंने कहा है। लेकिन एक बार बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी थोड़ी सी बुराई की है कि भैया, इससे क्लियर नजर आता है कि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो यूएसए गवर्नमेंट है वो जो है वो इस तरीके से इसने रेट कम किए हैं, और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल चल रही है। अब मैं ट्रंप की भी बात कर लेता हूं आपको, और ट्रंप की जो मैं खबर है वो आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़े दीवाने हैं ट्रंप साहब, और उन्होंने बिटकॉइन को पहली बार अपने हाथ से यूज किया है। तो यहां आप देख सकते हैं, अपने फैंस के लिए उन्होंने बर्गर्स को बाई किया है, और जो पे किया है वो किया है बिटकॉइन में। तो आप इससे देख सकते हैं कि काफी लोग जो है वो बिटकॉइन के और इथेरियम के और जो बड़े बड़े कॉइन हैं उसके दीवाने हैं। स्पेशली बिटकॉइन का दीवाने तो बहुत लोग हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि बहुत सारे टेप टू अर्न जो है वो गेम चल रहे हैं, चाहे वो हैमस्टर कॉम्बैट हो, चाहे और कोई भी हो, बहुत लोग उसमें टाइम वेस्ट किए बैठे हुए हैं, और काफी लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। और अब जो है टाइम आ गया है हैमस्टर कॉम्बैट की फिल्म को रिलीज होने का। 26 तारीख को, इसी 26 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी, और आप लोगों को ये ड्रॉप लेगा, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कि एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, और स्नैपशॉट के बाद जो है जो भी आपके पॉइंट है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कॉइन्स में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जितने पिछले मैं 5-6 साल से देख रहा हूं और जुड़ा हुआ हूं क्रिप्टो करेंसी में, मैंने ये देखा है कि हर बुल रन के बाद जो है वो कुछ नई नई जो है ट्रेंड चलता है, नई नई भेड़ चाल चलती है, जिसमें लोग जो है लग जाते हैं, चाहे वो वेब टू से वेब थ्री में है, चाहे वो एनएफटी का हो, चाहे वो आरडब्ल्यूए क्वाइन हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी भेड़ चाल चलती है, और लोग जो है वो उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है टैप टू अर्न का। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो लगे हुए हैं, और यहाँ सबसे बड़ी जो कंसर्न की बात है वो ये है कि बाइनेंस जो है वो लगातार इसको लिस्ट करता जा रहा है और सपोर्ट करता जा रहा है। और भैया क्या है कि बाइनेंस ही नहीं, बहुत सारे हैं, चाहे वो बिटगेट हो, चाहे वो ओकेएक्स हो, और भी बहुत सारी एक्सचेंज है वो होड़ में लगी हुई है कि इसको किसी तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए। तो ये जो है ट्रेंड चल रहा है, और कोई भी एक्सचेंज जो है वो इस ट्रेंड से पीछे नहीं हटना चाहती। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछे हैं ये क्वेश्चन कि भैया हमारे 5-6 अकाउंट हैं हेमबेट कॉम्बस्टर पर, तो उसको हमें किस तरीके से उनको डाउनलोड करना है,
क्योंकि अगर आपका जो अकाउंट कोई फ्रीज नहीं हुआ है और अभी तक आपके वो 5-6 अकाउंट जो हैं वो अभी तक अगर सुरक्षित हैं, तो उनको डाउनलोड कैसे करना है, उसके जो आपको एक तरीके से ड्रॉप मिलेगा उसको कैसे आपको कनेक्ट करना है, तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने काफी सारी जो है एक्सचेंज दे रखी है, जिसमें बाइनेंस एक्सचेंज है, आपका OKX एक्सचेंज है, बायबिट है, टेलीग्राम का वॉलेट है, और एक इन्होंने नई एक्सचेंज जो है वो दी है EVI एक्सचेंज, उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ओ चैन करके एक एयर ड्रॉप है उसमें भी आप इसमें ले सकते हैं। अब देखिए ओ चैन में जो है KYC करने की ज़रूरत नहीं है, EVI एक्सचेंज जो है वो भी नो KYC और नो गैस उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वॉलेट जो है वो टेलीग्राम का उसमें भी लाइट KYC की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है। अच्छा, बाकी जो रह गए आपके बाइनेंस है, OKX है या बायबिट है, इसमें भी आप एक दो लोगों की KYC करके आप इसमें क्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र आती नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ऐसी डरने की बात नहीं है। अब देखिए मैं एक और टेप टू अर्न गेम के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका नाम है मूनविक्स, और आपने नाम सुना होगा, और अगर आपने नहीं खेला है तो इसको आप खेल सकते हैं, ये भी जो है वो बहुत अच्छा क्वाइन है, और बाइनेंस ने इसको एक तरीके से अनाउंस कर दिया है कि भैया हम जो इस मिनी गेम को है इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यहाँ बाइनेंस ने कन्फर्म किया है मूनविक्स को, लॉन्च गेम को टेलीग्राम पर, और ये अभी एक तरीके से चालू हो गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और ये आप गेम खेल सकते हैं। इसमें एक हेलीकॉप्टर है जिसमें से एक हुक निकलता है और उस हुक से आपको कुछ चीज़ें आपको नीचे से कलेक्ट करनी पड़ती हैं, और उस कलेक्ट करने के बाद आपको उससे पॉइंट मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, और यहाँ ये बाइनेंस जो है इसने कंफर्म किया है, तो ये एक अच्छा गेम साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो है वो टेप टू अर्न जो है गेमों के पीछे लगी हुई हैं, एक ज़माना NFT का था, आज भैया NFT कोई पूछ नहीं रहा है, NFT नीचे डाउन जा रही है, तो ये भी एक टाइम है जो अभी टेप टू अर्न चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि शांत हो जाएगा और कुछ नई चीज़ नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, अब फटाफट मैं आपको खबर लेके चलता हूँ शिबा इनू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं, मेरी क्रिप्टो फैमिली के लोग हैं, वो शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट किए बैठे हैं, किसी के पास लाखों करोड़ों शिबा इनू हैं, तो चलिए मैं आप खबर पे लेके चलता हूँ, और जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, और वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जिससे आपको संतुष्टि हो। शिबा इनू बर्न रेट सर्ज ओवर 14,000% बढ़ गया है इसके जलने का, इसको बर्न करने का रेट, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 23 मिलियन शिबा इनू टोकन जो है वो बर्न हुए हैं इनकी बूस्टिंग कम्युनिटी की तरफ से, जो डिसीजन लिया गया है। तो देखिए ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिबा इनू की जो टीम है वो काम कर रही है और लगातार इसको बर्न करती जा रही है। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए कि शिबा इनू जो है वो रॉकेट हुआ है 104% इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में 104% इसका बढ़ गया है। तो ये देखिए कि एक ऐसा कॉइन है कि ये जो है एक अच्छा कॉइन है, ये और कॉइन की तरह बरसाती मेडिकों की तरह नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा स्टेबल कॉइन लग रहा है कि मतलब आगे तक जा सकता है क्योंकि काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इस पर नजर रखिएगा। एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं कि कहा यह जा रहा है कि शिबा न्यू है वो करीबन 14 सेंट तक हो सकता है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि 0.001 जो है वो पहुंच सकता है 2024 तक, अगर इस तरीके से ही बर्निंग चलती रहे। तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छे खासे शिबा इनू हैं तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या शिबा इनू जो है वो $1 तक जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो कोई संभावना नहीं है शिबा इनू का $1 तक जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बर्निंग करने की ज़रूरत है, और उस बर्निंग को अगर जैसे जैसे वो बर्निंग चलती चली जाएगी शिबा इनू के प्राइस जो है वो बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि 4-5 साल के बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि शिबा इनू आपको $1 का देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाइन को सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वाइन जो हैं वो आप देख सकते हैं बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं और टाइम आने पर एकदम गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूँगा
कि आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन छोटी छोटी चीजों में नहीं जाते, चाहे वो ट्रेड टू अर्न हो, चाहे वो ऐसे छोटे छोटे मीम कॉइन है, उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करते और वो हमेशा बिटकॉइन में, एथेरियम में, या जो बहुत बड़े बड़े एक तरीके से कॉइन है जिनका यूजर बेस बहुत अच्छा है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे कॉइन जो है उनकी मरने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको उस तरीके की एजुकेशन दें जहां आपका कम से कम टाइम बेस हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट गेन हो। तो इस चीज़ के लिए आप हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का भी बटन दबा सकते हैं जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने में झिझक मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं फॉलो इसलिए करने को कहता हूँ क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हेमिस्टर में जितना आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते या टैप टू अर्न गेमों में आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना आप एक एक ट्रेड में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब यार 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 10,000 रुपए तो खेल होता है। तो अगर आप सीरियसली ट्रेडर हैं और सही तरीके से ट्रेडिंग करना जानते हैं, दूसरा स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ये सब चीजें यूज करना जानते हैं, तो कोई मैं से कहता हूं कि कोई शक की बात नहीं है कि आप जो है वो मैसिव प्रॉफिट ना कमाए। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से, और काफी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।